पैनिक हो जाता है। क्या लगा क्या नहीं लगा वो एक अलग चीज है, पर वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब पैनिक कर गए थे, तो वो पैनिक की वजह से ये बहुत रोड़ी थी, बेटी खाला डर गई, अम्मी घबरा गई, सब कुछ। अरे मैं घबरा गया, फोन तो मैं तुम्हारी आवाज सुनने की जल्दी आ जाओ, इनको लग गई है। फिर देर से बोलती हो सिद्दीकी को बुला दो ड्रेसिंग करने के लिए, मुझे ज्यादा लग गई है, खून नहीं चल रहा है क्या? फिर बोलती है हाँ कोई नहीं, इतनी नहीं लगी, स्ट्रांग है दोनों, बहुत स्ट्रांग है। अभी भी वो नहीं खा रही थी, मैंने गया, मैंने उसको खिलाया, मैंने कहा नहीं तुम खाओ क्योंकि दवाई लेनी है, क्योंकि वो इंजेक्शन नहीं ले रही है पेन किलर का चीजों का, तो उसको दवाई लेना जरूरी है। देन उसको जब बहुत घबराती है, देखो जब मजबूरी हो तो आप बच्चे को कन्विंस कर लो कि हाँ इंजेक्शन ले लो, लेकिन जब ऑप्शन है व्हेन इट्स जस्ट अ पेन किलर, तो फिर मैं बोला कि आप इससे तो बेटर है आप दवाई दे दो, क्योंकि वो ऑलरेडी घबराहट में इतना रो के चुप हुई थी एंड फिर दोबारा वो इंजेक्शन का नाम सुन के पैनिक में जारी होने लग गई थी, तो मैं बोला छोड़ दो। सो फिर वो दोनों ऐसे जब सोफे पे बैठे हुए थे, सब बड़ों का ध्यान थोड़ा यहाँ हुआ, तो रिहाने से बोलते ठीक है दर्द नहीं हो रहा अभी, ठीक है अभी दर्द, तो वो मुझे इतना यू नो मैं जैसे स्कूल की टाइम पे भी बोल रही थी कि जब इस बार मैं इनके साथ स्कूल गई थी तो एक नाइन्थ का एक टेंथ का मेरे साथ बैठे हैं, और मैं इनके साथ हम लोग ऑब्वियसली जब मैंने तो तब से देखा है जब यहाँ आए हैं, रेहान सेकेंड में था तब से लेके अब आज वो इतना मैच्योर हो गया है एंड पता नहीं मैं लाइफ में दीपक को अक्सर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ता है रोहान को लेके, तो मतलब फ्रेंड्स का ये कहना है कि 3 मंथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो ठीक है अल्लाह की ज़ात ने कर दिया है तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, लेकिन जो फ्रेंड्स गलत बात पास करते हैं वो गलत करते हैं, तो ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो प्लीज़ इनके बारे गलत कमेंट्स ना किया करें। तो आप क्या कह रहे हैं वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।